तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार 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 सोना तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोना तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे को पैसे की समस्या है, मजदूरी काम करते हैं, मेहनती और गरीब इंसान है, क्योंकि टाइम से पैसे नहीं मिलते हमारे को, शाम को है नहीं भैया, दाड़की करके हमारे घर का रोटेशन चलाते हैं, और कर 22-23 तारीख से रेक लग रही, तब कर 5-6 दिन हो गए, पैसे भी देते नहीं हमारे को। पर रेक पॉइंट पर सोना ट्रांसपोर्ट एक कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो यहाँ के मजदूरों को भुगतान बराबर नहीं कर रही है, उनका भुगतान रोक रखा है, उनसे बार बार आग्रह करने के बाद भी नहीं दिया, तो हमको आज तहसील कार्यालय आना पड़ा है और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो मेहनत करिए, मजदूरी करिए हमारे मजदूरों ने, उनका हक उनको मिल जाए, जब तक वह नहीं मिलता है तब तक हम ये धरने पर बैठेंगे। अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई भी नहीं आया है और हम यहाँ पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हमारे मजदूरों का उनको मजदूरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ हम आंदोलन पर बैठे रहेंगे और आगे कड़ा कदम उठाना पड़ा। तो ये मामला संज्ञान में आया था कि सोना ट्रांसपोर्ट जो रेड पॉइंट अपना मेघनगर में है, तो सोना ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं इनके समय पर भुगतान नहीं करते हैं। इस संबंध में मजदूरों को बुलाकर बात की गई, मैंने ही उन्हें बुलाया था कि आपकी जो भी मांगे हैं मेरे समक्ष आइए और उनका निराकरण किया जाएगा। तो सोना ट्रांसपोर्ट के जो ठेकेदार मालिक हैं उनको ही बुलाया गया और संबंधित मजदूरों को जो हम माल हैं उनके दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के बात की गई। अब आज की स्थिति यह है कि अभी वर्तमान में दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और उनको कहा गया आप समय पर भुगतान करें इनका, यदि कोई समस्या है तो हम मालों से निर्देशित किया गया है हम मालों को और ठेकेदार को कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के बात कर लें, यदि कोई समस्या आती तो मेरे पास आ सकते हैं वो अपनी समस्या समाधान लेकर।